और फिर से एक बार निकला है एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। वेलकम बैक गाइस, आज मैं पूरे मूड में हूँ एटलीस्ट 2-3 एडवांसमेंट कंप्लीट करने के। हेलो फ्लफी, अरे हमने अपने फ्लफी को ना नाम नहीं दिया। एक सेकेंड, मेरे पास कोई नेम टैग है? नेम टैग है मेरे पास, वेरी नाइस। फ्लफी, तू ऑफिशियली आज से मेरा फ्लफी है। नाइस। क्या हमारा कोई और पेट है जिसे नाम नहीं मिला? सेनोरिटा, क्या क्या नाम रखे हुए मैंने। लाडू रानी, वाह। ओ ग्लोइंग सैक, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब मैं वो साइन वाली एडवांसमेंट कर सकता हूँ। ये वाली, मेक द टेक्स्ट ऑफ अ साइन ग्लो। साइन बनाते हैं पहले, कैसे बनाते हैं? प्लैंक्स एंड स्टिक चाहिए मेरे को। मेरे पास प्लैंक तो नहीं है पर पेड़ है पूरा का पूरा। ये बन गए थोड़े से प्लैंक्स एंड साइन। ओक साइन, नाइस। हम इस साइन को यहाँ पे लगा देते हैं। सब टू बीस्ट बॉय, शुभ। बाल नहीं लिख सकता, इट्स ओके। तो अभी सिर्फ ऐसे, ऐ आउटलाइन आ गई। तो ये बेसिकली आउटलाइन देता है मेरे टेक्स्ट को। ये तो मैं एडिटिंग में कर देता यार, मेरे को बता देते। अभी इस साइन को बाय बाय बोल देते हैं, बिकॉज ये साइन हम जिंदगी में कभी भी नहीं देखेंगे। कैन यू गाइस शट द फक अप, मैं कुछ इमोशनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये पेड़ यहीं पे उगा देते हैं, मेरे को प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम ऐसा करते हैं, ये सारी लावा बकेट्स रख के हम एलाइट्रा निकालते हैं अपनी बाहर। आई थिंक एलाइट्रा को फाइनली यूज़ करने का टाइम आ गया है। मुझे इसके लिए रॉकेट्स चाहिए होंगे, पेपर एंड गन पाउडर। सैडली हमारे पास पेपर नहीं है, 16 पेपर बस। मैं पहले शुगर केन उगाता था, पता नहीं कहाँ पर है वो। आई थिंक सारी तोड़ दी मैंने। गन पाउडर तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बहुत सारे क्रीपर मारे हुए हैं मैंने। ये रहा। कुछ रॉकेट्स बना सकते हैं हम, वेरी नाइस। 48। हम एक काम करते हैं, ये लेदर बूट्स ले चलते हैं और स्नो ढूंढते हैं पहले, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओ मेरे को एलाइट्रा यूज़ करनी नहीं आती अपेरेंटली। अरे हाँ, कुछ भी करने से पहले लावा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। मैं एक काम करता हूँ, कुछ डर्ट ब्लॉक्स ले जाता हूँ, मे बी सोल सैंड ले जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसा करते हैं, अपने इस लावा फ्रेंड के लिए एक कवर बना देते हैं, ताकि अगर इनकेस रेन आती है तो हमारा फ्रेंड मरे ना। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, हम उसे ना नेम दे देते हैं ताकि वो डिस्पॉन ना हो जाए। लावा हॉर्सी। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है यार, तेरे को अपना मकान दे रखा है मैंने, तेरे को मेरे मकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है फार्मर। हेलो फ्रेंड, तू ये ले। ऑलराइट, वी आर डन। अभी हमारे फ्रेंड के ऊपर पूरा कवर है, अगर रेन आती भी है तो आई डोंट थिंक ये मरना चाहिए। हम डेफिनेटली इस ट्रैक को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बट आई थिंक मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, बिकॉज यू नो एक याद रहेगी कि हाँ हमने एडवांसमेंट करी थी। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इस पे नेदर वॉट उगा सकता हूँ, एटलीस्ट यूज़ हो जाएगा ये रास्ता। अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्नो ढूंढ के आते हैं। नहीं हाओ, मेरे को फ्लाई करना नहीं आ रहा। आई थिंक मेरे को थोड़ा सा ऊंचाई से कूदना चाहिए। आर वी रेडी, इधर को चले। हाँ अभी बनी बात कुछ। स्नो तो जल्दी मिल जानी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारी स्नो देखी हैं। स्नो माउंटेन नहीं दिख रहे मेरे को, ये स्नो है क्या? ओ यस, ओ इजी, नाइस। हमें इवेंचुअली मिल ही जाएगी पाउडर्ड स्नो, थोड़ा सा वॉक करते हैं बस। क्या वो क्रिस्टल है? क्या मैं उसी जगह आ गया, अपनी वार्डन वाली जगह पे? ओ माय गॉड, इन शेडर्स के साथ ये स्नो कितनी ज़्यादा वाइट है, लाइक टोटली वाइट हो रखी है स्क्रीन पूरी। ओ आई डोंट नो कौन सी पाउडर स्नो है इसमें, लेकिन हमने कर दिखाया, आई गेस ये ही पाउडर स्नो होगी यहाँ पे। मैं सिंक तो फिर भी नहीं कर रहा। एनीवेज, एडवांसमेंट मैटर करती थी, वो हमने कर दिया। अभी हम लोग यहाँ से जो है निकल सकते हैं। एलेक्ट्रा बहुत ही अच्छा तरीका है ट्रैवल करने का, कितना इजी पड़ जाता है सब कुछ। ब्रिंग होम द बीकन, आई थिंक मेरे को ये करना चाहिए। मेरे पास थोड़े से
मटेरियल्स हैं इसको पूरा करने के लिए। ऐ आ गए हम लोग वापस। एक पल को डर गया था मैं कि रात हो रही है, कहीं मैं पहुंच ही ना पाऊँ अपने घर पे। ईजी, एकदम प्यारी लैंडिंग हुई है। ओके, डेफिनेटली मेरे को एलाइट्रा से प्यार हो गया है अब। मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ इसे। ओके, लेट मी सी बीकन कैसे बनाते हैं। 3 ऑब्सीडियन, ग्लास एंड नेदर स्टार। मेरे पास एक ही ऑब्सीडियन है, 2 और लाने पड़ेंगे। ओ आई एम लकी, 3 ऑब्सीडियन है मेरे पास। ग्लास है हमारे पास, नेदर स्टार भी है। ये रहा नेदर स्टार। सो मुझे रखना है ग्लास ऐसे एंड ऑब्सीडियन ऐसे एंड स्टार ऐसे। देयर वी गो, बीकन विच टेक्स 9 ब्लॉक्स। तो मेरे को 9 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे एक पिरामिड बनाने के लिए, एटलीस्ट बेस बनाने के लिए उसका। हमें अपने रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे बहुत सारे अब। डैम यार, मैं कॉपर यूज़ नहीं कर सकता, वरना कॉपर के तो बहुत सारे ब्लॉक्स बना देता मैं। गन पाउडर कितना पड़ा है मेरे पास, मेरे को सिर्फ पेपर चाहिए। बहुत सारा रॉकेट बना सकते हैं हम। रॉ आयरन, आई थिंक मेरे को ये सब जलाना चाहिए। एम्ब्रल्ड, डायमंड, सब के ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। मेरे पास एक और नेदर, हाँ 2 विदर मारे थे हमने। 7 डायमंड एंड 2 ये। 9 ब्लॉक्स हो तो गए, आई थिंक मैं बेस बना सकता हूँ अपना। ओके, आई एम नॉट श्योर मेरे को अपना बीकन कहाँ लगाना चाहिए, बिकॉज उसके कुछ ही रेंज पे मेरे को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे लगा देते हैं, अभी हमारा पोलर बियर है नहीं यहाँ पे। 1, 2 एंड 3 ऐसे हो गया तैयार आई थिंक। नहीं, ओ यस, ब्रिंग होम द बीकन, लेट्स गो। अभी मेरे को प्राइमरी पावर चाहिए स्पीड एंड रीजनरेशन। अच्छा लग रहा है, आई थिंक मैंने अच्छी जगह चुनी है इसे लगाने के लिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें हैं हमारे बेस में अब। हाँ, बात यह है कि मेरे को इफेक्ट मिला नहीं इसका। डोंट टेल मी मेरे को रिश्वत देनी पड़ेगी इसे, तब जाके मेरे को ये मिलेंगी पावर्स। एनीवेज, हमारा बीकन लग गया, वही इम्पोर्टेंट बात थी हमारे लिए। लेकिन एक और एडवांसमेंट है, ब्रिंग अ बीकन टू फुल पावर। उसके लिए मेरे को बहुत सारा मटेरियल चाहिए। स्टार ट्रेडर, ट्रेड विद अ विलेजर एट द बिल्ड हाइट लिमिट। मैं किसी ट्रेडर को इतना ऊपर कैसे लेके जाऊंगा फिर। बिल्ड हाइट लिमिट मतलब वो हो गया। मेरे पास एक प्लान है, पता है ये जो फार्मर है ना, ये हमेशा बेड की तरफ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सीडी लगा सकता हूँ इस पे एंड ऊपर एक बेड रख सकता हूँ, तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। स्पाई ग्लास, मेरे को स्पाई ग्लास के लिए ये शार्ड चाहिए। आई थिंक मेरे को पहले यहाँ पे जाना चाहिए ये शार्ड ढूंढने। मेरी एलाइट्रा ऑलरेडी हाफ हो गई, ये तो बहुत पीती है यार। मेरे को फैंटम्स मारने पड़ेंगे। मेरे पास एक मेम्ब्रेन तो रखी है, रिपेयर कर लेते हैं इसे। ओ यार, मेरे को इस पे मेंडिंग लगानी पड़ेगी। आई डोंट थिंक मेरे पास मेंडिंग की बुक पड़ी है। या विलेजर्स, एक बार फिर से मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। कहाँ पे है मेरे लाइब्रेरियंस? मेंडिंग कहाँ पे है ब्रदर्स? मेंडिंग 38 वेल चाहिए तो सही मेरे को। ओ ये मैंने टीम की हुई है। ओके, मैं एक काम और करता हूँ, मेरा ज्यूक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको साथ लेके चलता हूँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। अगर मेरे को फ्लावर वाली वो जगह दिखेगी, मिडो जिसे बोलते हैं, यार वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। मेरे को समझ नहीं आता ये काम क्यों नहीं कर रहा, लाइक यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो ये काम करना चाहिए। मे बी ये बड़े फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। ओ बाप रे, क्या ही साउंड है, ये डरा रही है भाई। ओके, बंद कर दूँ यार, डरा रही है अब। मेरे को समझ आ गया, आई थिंक वो जो बड़े वाले फ्लावर्स की लाइन लगी होती है ना, मेरे को वहाँ पे इसे चलाना है। क्या मेरे पास गोल्डन कैरेट है? मेरे पास बहुत सारी कैरेट्स है। क्या मैं गोल्ड और कैरेट से गोल्डन कैरेट बना सकता हूँ? रॉ गोल्ड पड़ा है मेरे पास। गोल्डन नगेट्स से बना सकता हूँ मैं। ऑल राइट, आई थिंक पहले मेरे को इस रॉ गोल्ड को ना गोल्ड बना देना चाहिए। मेरे पास ना कोल नहीं है बिल्कुल भी।
लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। अभी आई थिंक मैं गोल्ड कैरेट बना सकता हूँ, नहीं गोल्ड नगेट्स एंड देन गोल्डन कैरेट्स। 7 बहुत है। ऑकवर्ड पोशन मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं रख देता हूँ इसे यहाँ। मैं अभी इसको यहीं पे रख देता हूँ। कितना सारा सामान भर गया फिर से। ये बन गए नाइट विजन एंड अभी आई थिंक मैं इनको और थोड़ा लंबा कर सकता हूँ। 8 मिनट्स, नाइस, वेरी नाइस। अनब्रेकिंग 3 मेरे पास है ये। मैं आई थिंक इसको इस पे लगा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। नहीं, मेरे को पहले ही लगा देना चाहिए था। मे बी इसका नाम रखते हैं फ्लाई हाई। एलाइट्रा को भी यहीं रख देते हैं। मेरे को एक ढंग की छाती चाहिए। व्हाट इज दिस, इसे ले लेते हैं। ओके, एक बार हम लोग नीचे केव में जा रहे हैं वो शार्ड ढूंढने। मेरे पास टॉर्चेज नहीं है बट मेरे पास प्लास्टिक्स हैं, तो स्कैरी। हम फिर से मिले ब्रदर, कैसे हो आप? मेरे को कोल ढूंढना पड़ेगा जल्दी। जब तक हम नीचे हैं केव्स में, शेडर्स ऑफ करके खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ले चलता हूँ साथ में। जो हमें शार्ड चाहिए वो हमें जल्दी से मिल जाना चाहिए, बिकॉज वो कुछ खास रेयर है नहीं। आई एम सो स्टूपिड भाई, मैं टॉर्च इकट्ठी कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बावला हूँ क्या? मैं बिल्कुल भूल गया कि मैं नाइट विजन पोशन बना के आया हूँ। बताओ, मैं स्टेक्स और कोल के लिए रोने लग रहा था, मेरे माइंड से ही निकल गया पता नहीं कैसे। ओके, अब आराम से वो जगह ढूंढते हैं शार्ड वाली। ओह माय गॉड, आई हेट बेबीज भाई। जब मैं यहाँ पे हूँ ही तो लगे हाथों रिसोर्सेज भी ले ही लेते हैं। डायमंड्स, अप्रिशिएट दैट। ओ वेट, ये वही क्रिस्टल की आवाज थी। आसपास कहीं क्रिस्टल है डेफिनेटली। नहीं, ये तो वो है यार। हाँ, ये तो ये लोग हैं। मैं खुश हो गया था बेकार में। ये रिसोर्सेज मैं बीकन के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे को हमेशा जल्दी मिल जाती थी, इसी बार टाइम लग रहा है क्योंकि ढूंढ रहा हूँ ना। डायमंड दिख रहे हैं मेरे को और ऑलवेज अप्रिशिएट। ओह गॉड, ये बेबी, फक ऑफ बेबी, डोंट कम क्लोज टू मी। कितने सारे क्रीपर यहाँ पे भी हैं, बहुत सारे क्रिस्टल वाले। जो चीज़ नहीं ढूंढनी होती ना, वो चीज़ इतनी जल्दी मिल जाती है। ले लेता हूँ मैं इन केस फ्यूचर में दोबारा। अबे क्या हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, व्हाट? मुझे मिलनी ही चाहिए, बहुत बड़ी जगह है। डायमंड, डायमंड अब रेयर नहीं रहे, आई एम प्रिटी श्योर। इतनी आसानी से इतने सारे मिल जाते मेरे को अब। ओ फाइनली, लेट्स गो। ये बोन्स है? नहीं, हु केयर्स, मेरे को ये मिल गया, ये इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। वेट, मिला ना शार्ड मेरे को? शार्ड चाहिए, गिव मी द शार्ड। ओ ये है आई थिंक, यप। ओके, आई थिंक वी आर डन। और तो है नहीं यहाँ पे, मुझे पता था मुझे इवेंचुअली मिल ही जानी है ये। ओके, इससे पहले कि मेरी स्टूपिड रीजंस की वजह से डेथ हो जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। ओह शिट, ग्रेवल मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगी। ये क्या हॉरर म्यूजिक बजाते रहते हैं बीच बीच में। रात हो रही है। ये एक, ओ नहीं, सुबह। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवेंचर रहा है वैसे। आई थिंक रात हो रही है बट मुझे इतना क्लियर इसलिए दिख रहा है बिकॉज मैंने वो पोशन पिया हुआ है नाइट विजन का। अभी हमारे पास बहुत सारा गोल्ड है, हमारे पास बहुत सारी कैरेट्स है, हम बहुत सारा नाइट विजन पोशन बना सकते हैं। मैंने इस वाले विलेज में कितनी कारस्तानियाँ दिखाई हुई हैं वैसे, बहुत मेमोरीज बनाई हैं हमने यहाँ। होम स्वीट होम, वी आर बैक। बारिश हो रही है। ओके, तो अभी एक बार टेस्ट करें हम कि हमारा वो बंदा, ओ इधर बारिश हो ही नहीं रही। ओके, ओ बंद भी हो गई, वाह। अभी हम लोग स्पाई ग्लास बना सकते हैं। मेरे को चाहिए कॉपर इनगोट,
मेरे पास बहुत सारी है। स्पाई ग्लास, एय, वेरी नाइस। मैं इसको भी, शार्ड को यहीं रख देता हूँ, इन फ्यूचर काम आ सकता है। ओके, एक पैरट को देखना है। हाँ, एय, इज इट अ बर्ड? मेरा ही पेट है वो। ओके, इससे रिलेटेड एक और एडवांसमेंट थी, लुक एट अ गास्ट थ्रू अ स्पाई ग्लास एंड लुक एट द एंडर ड्रैगन थ्रू अ स्पाई ग्लास। मेरे को दोबारा एक बार एंडर ड्रैगन को जिंदा करना पड़ेगा। गास्ट वाली एडवांसमेंट तो हम अभी कर सकते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे। मेरे पास पोशन नहीं है पर लावा। गास्ट को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, उड़ते ही रहते हैं इधर उधर। ओ बाप रे, मैं भूल गया था, तबाही मच रखी है मेरे नेदर में। गास्ट की आवाज़ तो आ रही है। वो, अरे तेर से नहीं मिलना मेरे को। ओ शेट, मेरे को तो दिखा भी नहीं, कहाँ पे, कहाँ से मार रहा है वो। एडवांसमेंट मिल जा, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा। ये रहा, लेट्स गो, एडवांसमेंट हो गई, निकलते हैं यहाँ से। ओ ओ, छेद से हो रखे हैं यहाँ तो यार, ये क्या है, बड़ा रिस्की हो रखा मामला। एंड वी आर डन। ओके फादर्स, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। चार एडवांसमेंट कंप्लीट करी आज हमने, और ये एडवांसमेंट की जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।